हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास फ़ोन है वो वन प्लस 11R है। आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो, इसका जो ऊपर की साइड से ग्लास डैमेज है, बहुत ही डैमेज है। तो डिस्प्ले इसका ओके है, तो पूरी इसकी डिस्प्ले चेंज करने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली इसका जो फ्रंट ग्लास है हम वो चेंज करेंगे, और जो ये ग्लास चेंज होता है उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। एकदम 100% डिस्प्ले हम ओके निकालेंगे और इसका ग्लास जो है वो सेपरेट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो एंड तक आप वीडियो देखिए गाइस, ताकि आपके भी पास कोई ऐसा फ़ोन आए तो रिपेयर करने में इसको आपको आसानी रहे। और अगर आप कस्टमर हो तो आपको जैसे कि आपका जो डिस्प्ले का ग्लास है वो डैमेज हो जाता है, तो आपको न्यू डिस्प्ले चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इसका जो ऊपर का ग्लास चेंज करवा सकते हो। उसमें हमने इसके लिए वीडियो में जो है वो हमारा एड्रेस और हमारा नंबर भी दिया है। आप हमें कॉल करके आप हमसे विज़िट कर सकते हो, और अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आप कुरियर के माध्यम से भी हमें काम फॉरवर्ड कर सकते हो। सेम डे आपका फ़ोन रिपेयर हो जाएगा। और जैसे कि ये ग्लास का काम करते हैं, तो ग्लास के काम में जो रिस्क रहता है, जैसे ग्लास चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा सम टाइम ग्लास डैमेज होता है, तो हम इसका जो ग्लास है वो सेपरेट करते हैं, तो ग्लास इसकी जो डिस्प्ले है वो सम टाइम डैमेज भी हो जाती है। तो वो डिस्प्ले जो है हम आपको, अगर हमारे से डैमेज होती है तो हम आपको न्यू डिस्प्ले डालकर चेंज कर कर देंगे। तो गाइस, अगर आपके भी पास ऐसा कोई फ़ोन है जिसका ग्लास डैमेज हो गया, अंदर का डिस्प्ले ओके है, तो आप हमें ज़रूर कुरियर के माध्यम से फ़ोन भेज सकते हो। आपको सेम डे फ़ोन ओके करके आपको रिटर्न कुरियर लग जाएगा। और अगर कहीं नज़दीक से हो आप, तो आप हमारी शॉप की विज़िट कर सकते हो। आपको 2 से 3 घंटे में हम फ़ोन रिपेयर करके दे देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फ़ोन हमने पूरा ओपन कर दिया है, और अभी जो है ये जहाँ से डैमेज था वहाँ से लिक्विड केमिकल नाक डालकर हमने जो है कांच के छोटे छोटे जो पीस होते हैं उसको रिमूव कर दिया है, और जो ब्रश है उससे हम क्लीन कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जो ये वायर होता है उसकी एंट्री की हमें जो है वो जगह मिल गई है, तो वहाँ से एंट्री लेकर देखिए डिस्प्ले का ओनली ग्लास हम उतार रहे हैं। और जैसे कि एक साइड से, राइट साइड से पूरा ग्लास इसका जो है ऊपर की साइड से उतर गया है, और अभी जो लेफ़्ट साइड जो है वहाँ से हम जो इसकी एंट्री लेने की ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें एंट्री मिल गई है। ये जो डिस्प्ले थी गाइस, ये लेफ़्ट और राइट साइड से ऊपर की साइड से कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी, तो हमने वहीं से एंट्री इसकी ले ली है। और जो डिस्प्ले जो है वो ओके है, पोलराइजर इसमें कोई कट नहीं हुआ है, और जो है ग्लास जो है सेपरेट होने आया है। और ग्लास जो है ये देखिए किस तरीके से सेपरेट होता है, तो ग्लास को हमने सेपरेट कर दिया है। अभी जो इसका सेपरेटर है वो सेपरेटर पे हमने हीटिंग जो है वो 126 डिग्री रखी है, और इसमें 5 से 6 मिनट डिस्प्ले जब हम रखते हैं तो उसको गर्म होने देनी पड़ती है डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले जो है वो एकदम उसका जो ग्लास इजी उतर जाता है। जैसे कि आपने डिस्प्ले में फ़ोन में देखा हमने किस तरीके से इसका ग्लास जो है उतारा है। उसके बाद जो ग्लू था डिस्प्ले पर, जो OCA का ग्लू लगा होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, उसको हमने ग्लू क्लीनर की सहायता से हटा दिया है। अभी देखिए डिस्प्ले एकदम क्लीन हो गई है। फिर उसके बाद में डिस्प्ले को हमने जो स्पंज से साफ़ भी किया, क्लीन किया है। उसके बाद जो OCA की वेस्ट पड़नी आती है उसकी सहायता से डिस्प्ले को फ्रेम से हम अलग करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो टेक्निक है डिस्प्ले को फ्रेम फ्रेम से अलग करने की, वो भी काफ़ी रिस्की टेक्निक है। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए डिस्प्ले कैसे फ्रेम से अलग करते हैं। जो आपको नॉलेज होगा तो आप 100% फ्रेम को जो है, डिस्प्ले को जो है फ्रेम से अलग कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो डिस्प्ले जो है फ्रेम से अलग हो गई है, और जो डिस्प्ले है वो एकदम ओके है। डिस्प्ले बहुत ही डैमेज थी, पर इसमें कोई डॉट नहीं है, कोई भी वेव नहीं है, एकदम ओरिजिनल कंडीशन में डिस्प्ले जो है सेपरेटर से, फ्रेम से सॉरी, अलग हुई है। और दूसरा कि अब हम इसका जो ग्लास लगाएंगे, तो ग्लास की हमने पन्नी निकाल दी है और डिस्प्ले को एकदम क्लीन कर दिया है। अब हम जो है ये इसका ग्लास का और डिस्प्ले का
जो है अलाइनमेंट कर रहे हैं और एकदम सक्सेस अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद में हम इसको जो मशीन आता है, जो चाइनीज़ मशीन आता है YMJ, उस YMJ मशीन में इसको हम पंचिंग करेंगे। और पंचिंग करने के बाद फ्रेंड जो है इसमें थोड़े बबल रहते हैं, तो वो बबल, जो बबल निकालने के लिए हम इसको बबल रिमूवर मशीन आता है, ये पूरा सेट आता है YMJ का। अगर आप नए हो, आपको जानकारी ना हो, तो मशीन की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो है ये YMJ मशीन आता है, जो 95,000 अप्रोक्स आता है, वो उसका जो सेट आता है, ये उसमें 4 पीस आते हैं। एक जो है मशीन जो है लेमिनेशन मशीन आता है, सेकंड जो है इसका वैक्यूम आता है, और थर्ड जो है इसका जो बबल रिमूवर मशीन आता है, और फोर्थ है जो कॉम्प्रेसर आता है। तो ये ग्लास बनाने का फ्रेंड पूरा सेटअप आता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, इसका जो ग्लास जो है वो बबल थे वो भी निकल गए। उसके बाद में हमने यूवी करी। यूवी क्यों की जाती है कि ताकि जब कस्टमर जो है ग्लास चेंज करवा कर ले जाए, तो कुछ वीक के बाद या कुछ दिनों बाद उसमें रिटर्न बबल आ जाते हैं, तो वो बबल रिटर्न ना आए। जैसे यूवी में हम डिस्प्ले को 2 से 3 बार रखते हैं, तो इसका जो OCA ग्लू होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो एकदम हार्ड हो जाता है। और ये चाहे जितना भी हीटिंग हो या चाहे जितनी भी इसमें कूलिंग हो, इसमें बबल नहीं आते। ये जो डिस्प्ले है एकदम ओके रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यूवी भी कर दिया है और फ़ोन को अब हम फिटिंग कर रहे हैं। तो फिटिंग में देखिए किस तरीके से ग्लू लगाते हैं। ग्लू भी ऐसे लगाना है कि फ्रेंड इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें जो ग्लू हम सही से नहीं लगाएंगे, तो कस्टमर जैसे फ़ोन यूज़ करेगा तो सम टाइम सम डे में उसका जो है वहाँ पर डस्ट जाएगा, और डस्ट जाने की वजह से जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पर फ्रेंड डस्ट आ जाती है। तो फिनिशिंग पूरा फ़ोन का वो जो है वो अच्छा नहीं रहता है, कैमरे का रिजल्ट ख़राब हो जाता है, और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, रिटर्न नहीं आता है। तो ग्लू भी प्रॉपर वे प्रॉपर तरीके से लगाना है ताकि डस्ट अंदर एंटर ना हो, फ्रंट कैमरे में भी और बैक कैमरे में भी। तो फ्रेंड इसमें ये नहीं रहता कि ग्लास का काम कस्टमर अगर करवाने आया तो सिर्फ ग्लास बना कर दे दिया, इसमें कस्टमर का पूरा ऑल ओवर जो फ़ोन होता है वो फ़ोन हमें ध्यान रखना पड़ता है, कैमरे में डस्ट ना जाए, फिर जैसे नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए, सभी ध्यान रख के हमें ग्लास बनाना होता है। तभी कस्टमर जो है एक बार हमारे से ग्लास चेंज करवा के ले गया, तो कस्टमर अगर कोई भी प्रॉब्लम दूसरे फ़ोन में भी होता है तो वो हमें ही कांटेक्ट करता है, वो दूसरी जगह पर नहीं जाता है। तो थैंक यू गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए, और हम ट्राई करेंगे कि आगे भी हम आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देते रहे। थैंक यू सो मच।